तो महादशमी है, विजयदशमी है और पूरे देश में इस पर्व को मनाया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा और वही अलग अलग जगहों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किस तरीके की तैयारियां हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगियों का और वाराणसी चलते हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, आपसे संपर्क टूट गया था, किस तरीके की स्थितियाँ हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं और भव्यता में कमी है तो क्या लोगों में निराशा भी दिख रही है? आदेश जी, लोगों में निराशा थोड़ी बहुत दिख रही है। थोड़ी बहुत इसलिए कहना चाहूँगा कि हर साल जिस तरह से रावण दहन को लेकर लोगों में ज़्यादा उत्साह रहता था, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो या फिर जो भी हो, यहाँ पहुँचते थे और पहुँचकर रावण दहन के दृश्य को देखते थे। इस साल DLW या फिर अगर बात करें तो मलदहिया और अन्य तीन क्षेत्रों की जो रामलीला की जो ये रौनक थी वो इस बार फीकी दिखाई दे रही है, क्योंकि रावण दहन वहाँ पर नहीं हो रहा है और जहाँ जहाँ हो रहा है उन जगहों पर साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि आप कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। हम आपको इस रावण की जो पुतले हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ ही इस मेले की तैयारियां भी हम आपको दिखा दें। जरा सा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो कैमरे को हाथ में लें और जो इस पूरे जो मेले हैं, इस ये जो मेला लगा हुआ है इसकी रौनक दिखाएं थोड़ा सा। बिल्कुल नीतीश, आएंगे आपके पास एक बार फिर, इस तकनीकी दिक्कत आई, एक बार फिर से रुक करते हैं। मोइन का हमारे साथ, वो कौशाम्बी से बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर लाइव युद्ध देखने को मिलता है, लगभग कितना इंतजार और है और कितनी पुरानी ये परंपरा चली आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त कौशाम्बी के उसी मैदान में मौजूद हैं जहां आपसे कुछ देर के बाद कुप्पी का युद्ध शुरू होगा। क्या परंपरा है, कितनी पुरानी परंपरा है, किस तरह से टीमें तैयारियां करती हैं, कमेटी किस तरीके से तैयारी करती है, इस बारे में हम जो आयोजक हैं उनसे सीधे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं ऋषि नंदन साहू। ऋषि जी, ये बताइए कि कितनी देर में ये युद्ध शुरू हो जाएगा? लाइव युद्ध होता है, कितनी पुरानी ये परंपरा है, किस तरह की परंपरा है ये परंपरा? आज हम 242वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 1789 ईस्वी में पंडित विजयी राम मिश्रा जी के द्वारा बड़े ही अभिजीत किस तरह से टीमों को बांटा जाता और किस तरह से यहाँ पर कमेटी की अपनी एक व्यवस्था है। रामदल और रावण दल के सेनानी लगभग 25 से 30 की संख्या में, रामदल के सेनानी लाल रंग की वर्दी में और रावण दल के सेनानी काली रंग की वर्दी में आ जाते हैं और उनकी एक तैयारी कमेटी का एक युद्ध संचालक दल होता है, वो युद्ध संचालक दल ही इस कुप्पी युद्ध को जो है बिल्कुल मोइन और बड़ा शानदार इतिहास आपके जरिए जानने को मिला कि 242 साल पुरानी ये परंपरा है और वो परंपरा दर्शक ABP गंगा पर देख पाएंगे।